जीतन राम मांझी की नई डिमांड, महागठबंधन के सामने रख दी एक बड़ी मांग, तेजस्वी यादव की राह में नया रोड़ा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन में है। नीतीश सरकार में उनका बेटा संतोष सुमन मंत्री हैं। फिर भी आए दिन वो नीतीश सरकार पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आते। वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उनके बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के सामने ऐसी मांग रख दी है जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अपने बेटे संतोष सुमन को बिहार का सीएम बनाने की मांग रखी है। इसके लिए उन्होंने कई वजहें भी गिनाई हैं। उनके मुताबिक उनका बेटा और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन एक पढ़े लिखे इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल भुइया जाति से आते हैं, वो नेट क्वालिफाइड हैं और प्रोफेसर भी हैं। इतना ही नहीं, मांझी ने अपने बयान में ये भी जोड़ा कि चूंकि गरीबों में दलितों की आबादी 90% है, इसलिए हम संतोष कुमार को सीएम पद मानते हैं और उनका प्रतिनिधित्व ही करते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, पर यह जरूर कहा कि कई लोग बिहार के सीएम बनने की कोशिश में जुटे हैं। इन सभी लोगों को मेरा बेटा पढ़ा लिखा सकता है। तो क्या मांझी ने इशारों ही इशारों में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए अयोग्य करार दिया है? फिलहाल जीतन राम मांझी बिहार में गरीब संपर्क यात्रा पर हैं। उन्होंने अपनी ये डिमांड अरवल में रखी है। महागठबंधन के सामने अपनी डिमांड रखने के अलावा बताया ये जा रहा है कि वो जिले में जहां भी सभा कर रहे हैं वहां के लोगों से अपने बेटे को बिहार का सीएम बनाने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं इस बारे में जब मांझी के बेटे संतोष सुमन से पूछा गया तो उन्होंने सीएम पद का उम्मीदवार होने की बात से इनकार किया। हाँ, इतना जरूर कहा कि वो जनता का प्यार और सम्मान पाने के लिए ऊर्जा के साथ काम करेंगे। उनके इस जवाब से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने एक वाक्य के जवाब में इस मुद्दे से अपना पल्ला भी झाड़ लिया। वहीं जनता की सेवा करने की बात कर शायद पिता के डिमांड में अपनी सहमति भी जता दी। खैर, इनका जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक सूबे का मुखिया बनना शायद ही किसी को नापसंद हो। वहीं मांझी के इस डिमांड पर बिहार की राजनीति अब क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।